नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। जानलेवा जापानी बुखार से बचने के लिए आज से टीके लगने लगेंगे और 1 से 15 साल तक के हर बच्चे को यह लगना जरूरी है। यह रेगुलर टीकाकरण का हिस्सा है। जापानी बुखार एक तरह का दिमागी बुखार है और इसे संक्रमित होने पर बच्चों को झटके आते हैं, बार बार बेहोशी आती है। 30% मामले में से पेशेंट्स की मौत हो जाती है और भोपाल में मंगलवार से जापानी इंसेफेलाइटिस टीकाकरण अभियान शुरू हो रहा है और शहर के शासकीय अस्पतालों के अलावा चिन्हित निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में भी निःशुल्क वैक्सीन लगाई जाएगी। 20 सेंटर्स पर रोजाना और 348 सेंटर्स पर मंगलवार और शुक्रवार वैक्सीन लगेगी। वहीं हम अगर चीजों को देख सुन और सूंघ या फिर उन्हें सूंघ रहे हैं तो इसकी वजह से हमारी आंखें, कान और नाक हैं, जो कि हमारी 5 इंद्रियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह शरीर के बेहद नाजुक अंग होते हैं और इनकी साफ सफाई बेहद संवेदनशील तरीके से होनी चाहिए। जरा सी लापरवाही सुनने, देखने या फिर हमारी सूंघने की क्षमता को कम कर सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में 6,30,00,000 लोग बहरेपन या फिर सुनाई कम देने की समस्या से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं इंडियन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी की स्टडी के मुताबिक वर्तमान में भारत में 40,95,000 लोग अंधेपन से जूझ रहे हैं। वहीं 7 करोड़ लोग दृष्टि बाधित हैं। अंधेपन से जूझ रहे लोगों में 2,40,000 बच्चे हैं। वहीं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिसीज के एक सर्वे के अनुसार 13,04,00,000 भारतीय क्रॉनिक साइनोसाइटिस से पीड़ित हैं। दरअसल हवा को शरीर के भीतर जाने के लिए नाक में एक नेजल पैसेज और साइनस कैविटी होती है। नेजल पैसेज में सूजन आने पर ये दोनों सुराख बंद हो जाते हैं और जिससे हवा ठीक से अंदर नहीं जा पाती है और इसी को आम बोलचाल में साइनस कहा जाता है।